नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में आजकल कई ऐसे मसले हैं जिन पर की विवाद छिड़ा हुआ है। ये मामले ऐसे हैं जो कि आजकल पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही है। अब कर्नाटक के एक मंत्री के बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। उनके इस बयान पर अब जदयू के उपेंद्र कुशवाहा काफी गर्म हो गए हैं, उखड़ गए हैं और उन्होंने ट्विटर पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उस मंत्री को देशद्रोही तक करार दिया है और पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई के जद में लाइए। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुख्य राजनीतिक सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने तिरंगा पर कर्नाटक के मंत्री की टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को बीजेपी नेता को देशद्रोही करार दिया है। कुशवाहा पहले भी सम्राट अशोक को लेकर बीजेपी के बयान की आलोचना करते रहे हैं। जदयू के संसदीय बोर्ड के प्रमुख कुशवाहा ने भाजपा शासित कर्नाटक में मंत्री के एस ईश्वरप्पा की उस टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि भविष्य में कभी तिरंगा की जगह भगवा ध्वज ले सकता है। कुशवाहा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कभी सम्राट अशोक का अपमान, कभी तिरंगे को मिटाने का अभियान, आखिर कैसे सहे हिंदुस्तान। कुशवाहा ने प्रधानमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भी ट्वीट में संलग्न करते हुए कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी अविलंब ऐसे देशद्रोही मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा करें। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री ने बुधवार को कहा था कि भविष्य में एक समय में 100 या 200 या 500 साल बाद भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है और हर किसी को इसका सम्मान करना चाहिए। इससे पहले कुशवाहा ने सम्राट अशोक को मुगल बादशाह औरंगजेब के समान बताने को लेकर लेखक दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब कर्नाटक के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनका एक बयान, ये बयान कि कभी भी आने वाले 100, 200 या 500 सालों में भगवा जो है तिरंगा लहरा सकता है, भगवा ध्वज लहरा सकता है तिरंगे की जगह पे। अब इस बात पर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी कड़ी नाराजगी न सिर्फ जाहिर की है बल्कि ट्वीट भी किया है और ट्वीट करते हुए ऐसे मंत्री को देशद्रोही करार दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के सीएम को भी इस ट्वीट में संलग्न करते हुए उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। आपको पता है कि कर्नाटक से कई ऐसे मामले आ रहे हैं, हिजाब का मामला हो या फिर अन्य मामले हो, जो कि राष्ट्रव्यापी बन चुके हैं और इन मामलों पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आने लगी है। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है कुछ दिनों पहले दी थी, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा जो है बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री के बयान पर नाराज हुए हैं और उन्होंने उन्हें काफी सारी बातें कह सुनाई है, देशद्रोही तक कहा है और ऐसे ही कहते हुए उन्होंने अपील की है कि ऐसे देशद्रोही मंत्री पर जो है कार्रवाई करने की जरूरत है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।